आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, चाहे रोहतक क्षेत्र की बात हो, चाहे लेदर क्षेत्र की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे सिंचाई योजना की बात हो, सभी स्कीमें हप चुकी है, जिस तरह कांग्रेस भी हप चुकी है। मेरा अधिकारियों से निवेदन है, अगर आप सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के जो आप अधिकारी हैं, तो आप फील्ड में उतरिए, जहां पानी की पीने की समस्या है। मेरे कुम्मी में भी पानी की समस्या है, यहां भिवरा में पानी की समस्या है, हमारे दोलख में पानी की समस्या है, आपके बुटकों में पानी की समस्या है। क्या क्या बताऊं, मैं कल अपरी भल में गया था, लोगों ने पानी की समस्या बहुत बताई। जहां सिंचाई की सुविधा मिलती थी, जहां लोग किसान अपना रोजगार कमाते थे, आज वो पानी की स्कीमें भी बंद कर दी है, चाहे वो लेफ्ट बैंक है चाहे राइट बैंक है, आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा अधिशासी अमिताभ बग्गी से निवेदन है कि वो पानी की समस्या को हल करें। जो आपका टेंडर होना था, हम लोगों को टेंडर से मतलब नहीं है, लेकिन जहां पानी की सिंचाई की योजना की बात है, आप लोगों को पानी दें, ताकि लोग अपना रोजगार कमाने के लिए, चाहे वो गोभी की फसल लगाए, चाहे हमारे पालक बीजे, चाहे दूसरी सब्जियां लगाए, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें पानी मिले। आज लोग एक महीने से पानी को तरस रहे हैं। कैसी सरकार है, इस सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार कहते हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार जो पन चुका है, आईपीएच में जिस तरह पहले भी भ्रष्टाचार हुआ, आज उसी तरह का फिर पन पड़ा है। मुझे निवेदन करना है कि कार्यकर्ता रोष में है, बागवान रोष में है, किसान बागवान सभी रोष में है, कि बल में जो आज त्रासदी मची है पानी की, बरसात होने के बाद भी ये त्रासदी है, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये शायद सुक्कू का व्यवस्था परिवर्तन है, टलने वाले नहीं है। आज कर्मचारियों को ठगा जा रहा है, मजदूरों को ठगा जा रहा है, और जो केंद्र का पैसा आया उसे कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, अन्यथा आज यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता। इस तरह की व्यवस्था इस सरकार की हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग आईपीएच एक्शन के पास धरना देने वाले हैं, पीडब्ल्यू एक्शन के पास धरना देने वाले हैं, जिस सबको लोगों ने मान चला हुआ है। दो दो साल हो गई, तीन ढाई ढाई साल हो गई, लेकिन पुल नहीं बन रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था, ये मेरा कहना है। मेरा सभी जनता से निवेदन है, जहां आपकी समस्या है, मैं उस समस्या को हल करने के लिए आपके साथ हूँ।